हरे कृष्ण ओम अज्ञान तिमिरान दस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सवीं रूपकदमयं ददाति स्वकृतान्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सर्वप्रथम धन्यवाद उस मेरे परम पिता परमात्मा का जिसने हमें एक बहुत अनमोल दिन एक और दिया। थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग अस ए वंडरफुल डे जिसमें हम आपके विषय कुछ सुन रहे हैं, आपके विषय कुछ बोल रहे हैं। भगवद गीता नवा अध्याय और 14वां श्लोक, सततम कीर्तनयन्तो माम यतनश्च दृढ़वर्तः। सततम जो कीर्तन करते रहते हैं, मेरी महिमा का गान करते रहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं मेरे विषय बोलते रहते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ जो ये प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते रहते हैं और भक्ति भाव से यूं मेरा निरंतर पूजा करते हैं, कृष्ण सेवा सर्वोत्तम। इस संसार में मेरी माताओं बहनों मित्रों, हर एक व्यक्ति चाहता है उसका सुंदर शरीर हो और अपने शरीर को सुंदर करने के लिए पांच पांच घंटे जिम में जाकर पसीना बहाते मात्र उनका शरीर सुंदर हो। माताएं बहनें पार्लरों में जाकर, खैर आजकल तो बंद है, लेकिन पार्लरों में जाकर कितनी कितनी देर अपने शरीर को सुंदर करने का प्रयास करती हैं। तो हर एक चाहता है उसका शरीर सुंदर हो, हैंडसम हो, अट्रैक्टिव हो। किसको अट्रैक्ट करें? लोगों को। लोग अट्रैक्ट होते हैं, याद रखना माताओं बहनों, मैं खास आपको कह रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। लोग अट्रैक्ट होते हैं
कभी अच्छी नज़र से नहीं, कभी पॉजिटिविटी से नहीं। किस नज़र से अट्रैक्टिव होते हैं मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारा शरीर बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव हो, हैंडसम हो, और उसके लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। फिर बड़ी सारी डिग्री हो, सुंदर शरीर हो, हैंडसम शरीर हो, फिर बड़ी सारी डिग्री हो, IIM IIT से, इसी तरह से बड़ी सारी डिग्री हो कोई, फिर उसके बाद एक अच्छी सी जॉब हो, फिर एक अच्छा सा घर हो, वाह लाइफ सेटल हो गई, हैंडसम सुंदर शरीर, बड़ी सारी डिग्री, अच्छी सी नौकरी, और विदेश में हो तो क्या बात है, और एक अच्छा सा घर, लाइफ सेटल हो गई। लेकिन एक गलती हो गई हमसे, एक बड़ी भूल हो गई हमसे, और वो बड़ी भूल क्या थी कि जिस काम के लिए हम इस संसार में आए वो तो हम भूल ही गए, और वो है कृष्ण की सेवा। क्योंकि एक बात याद रखना, जितना भी हैंडसम और स्मार्ट शरीर हो, एक दिन बूढ़ा होता है, बीमार होता है और समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मुझे राजा भर्तृहरि की एक छोटी सी घटना याद आती है जीवन की, कि राजा भर्तृहरि एक दिन अपने महल के, उस जमाने में भी स्विमिंग पूल होते थे, राजा तालाब बनाते थे महलों में, तो उस जमाने का स्विमिंग पूल था, राजा अपने तालाब में महल में नहा रहा था, नहाकर धूप में शरीर को सुखाने बैठ गया। जब शरीर सूख गया तब देखा अचानक उसकी पीठ पर पानी की एक बूंद गिरती है। जब पानी की एक बूंद गिरती है तो ऊपर सिर उठा के देखता है तो ऊपर राजा की मां खड़ी है। और वो रो रही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी माँ क्यों रो रही है, आखिर क्या वजह है कि मेरी माँ को रोना पड़ गया। राजा अपनी माँ के पास पहुंचा, माँ से कहा, माँ आपको क्यों रोना आया, आप क्यों रो रही हो। राजा भर्तृहरि की माँ ने कहा, बेटा आज तुम जब नहा रहे थे ना तो मैं तुम्हारा ये सुंदर शरीर देखा और सुंदर शरीर देख के रोना आ गया। अरे माँ तुम्हारा बेटे का इतना सुंदर शरीर देख के तो तुम्हें खुश होना चाहिए, इतना स्मार्ट हैंडसम शरीर देखकर तो तुम्हें खुश होना चाहिए माँ, फिर रो क्यों रही हो, रो क्यों रही हो। तब राजा भर्तृहरि की माँ ने कहा, बेटा मुझे रोना इस बात पे आया
कि तुम्हारा जो पिता है ना, जो तुम्हारे पिताजी थे, वो तुमसे भी ज्यादा सुंदर थे, उनका शरीर तुमसे भी ज्यादा सुंदर था, लेकिन एक दिन मृत्यु आई और उस सुंदर शरीर को अग्नि में जला दिया गया। बेटा, मुझे ये देख के रोना आया है कि जैसे तुम्हारे पिताजी का सुंदर शरीर नहीं रहा, एक दिन तुम्हारा भी सुंदर शरीर नहीं रहेगा बेटा। और ये सोच सोच के मुझे रोना आ रहा है। तब भर्तृहरि अपनी मां की इस बात से इतने इंस्पायर हुए, इतने प्रभावित हुए कि वो भक्ति के मार्ग पे चल पड़े। बहनों, माताओं, मित्रों, सज्जनों, एक बात ध्यान से सुनो, हर क्षण जा रहा है, हर पल जा रहा है, हर सेकंड जा रही है, हर मिनट जा रही है, हर घंटा जा रहा है, हर दिन जा रहा है, हर सेकंड जाई, हर सेकंड गई, हर मिनट गया, हर घंटा गया, हर दिन गया, और कभी मुड़ के आने वाला नहीं है, कभी मुड़ के आने वाला नहीं है, कभी मुड़ के आने वाला नहीं है। अब उस हर क्षण को, हर मिनट को, हर घंटे को, हर दिन को सुरक्षित कैसे करें, क्योंकि गया समय आता नहीं है, गया समय आता नहीं है। अब ये जो समय जा रहा है ना, फिर कभी नहीं आएगा, ये जो समय जा रहा है कभी नहीं आएगा, जो पल जा रहे हैं वो कभी नहीं आएंगे, टाइम विल नेवर कम। अगेन नेवर कम अगेन। तो मेरी माता बहनों मित्रों, जो पल बीते साथ तुम्हारे वो पल ही जीवन है, जो पल गोविंद के स्मरण में गया, जो पल कृष्ण के विशेष चर्चा में गया, जो पल कृष्ण भजन में गया, जो दिन, जैसे आप प्रतिदिन कृष्ण कथा सुनते हो, प्रतिदिन कृष्ण भजन करते हो, प्रतिदिन कृष्ण के विषय स्मरण, कृष्ण के विषय सोचते हो, कृष्ण का प्रसाद लेते हो, कृष्ण को प्रसाद अर्पण करते हो, तुलसी की पूजा करते हो, ये दिन आपका अमर हो जाता है। तो मेरी माता बहनों मित्रों, राजा भर्तृहरि को जब पता पड़ा कि उसका ये सुंदर शरीर एक दिन जल जाएगा, उसने तुरंत वो काम किया जिस काम के लिए वो आया था, भगवान की शरण में चला गया। कृष्ण शरण, कृष्ण शरणम मम, क्योंकि श्री कृष्ण परमेश्वर है, याद रखना, इस बात को भूलना नहीं। मुझे बार 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 ये बात यूं याद दिलानी पड़ती है कि हमारा मन बड़ा स्वार्थी है, इधर उधर भटक जाता है, कभी किसके आगे मत्था टेका, कभी किसके आगे हाथ जोड़े, कभी किसकी नमस्कार किया, कभी किसको प्रणाम किया, हमारा मन बड़ा स्वार्थी है, जहाँ स्वार्थ दिखता हम वहाँ भाग जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये जहाँ से स्वार्थ सिद्ध होते हैं ना, इनडायरेक्टली तो मेरा ठाकुर ही करने वाला था, सब कुछ कृष्ण करता है। सोचो जरा, एक बात आपको बताऊं, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, जरा सोचो,
ये राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज का इन्वेंट किया, कैसे किया होगा? समझ रहे हैं? कैसे? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, कैसे किया होगा? पहले उनके दिमाग में आइडिया आया होगा, याद रखना, किसी भी वैज्ञानिक के दिमाग में पहले आइडिया आता है। वो सेब गिरा था ना, सेब एप्पल गिरा था, वो नीचे बैठा था कौन? न्यूटन था। और अचानक सेब गिरा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ग्रेविटी पावर का। तो पहले दिमाग में आइडिया आता है। राइट ब्रदर जिन्होंने हवाई जहाज का इन्वेंट किया मान लो, या जिसने ये टीवी का इन्वेंट किया होगा, या जिसने कार का इन्वेंट किया होगा, पहले उनके दिमाग में आइडिया आया होगा कि ऐसे कुछ बनाना चाहिए। और वो आइडिया आता गया और वो बनता गया, आइडिया आता गया और बनता गया। अब ये आइडिया आया कहाँ से ये विज्ञानियों के दिमाग में? वो आइडिया कहाँ से आया? वो मेरे ठाकुर ने दिया कि ये ऐसे ऐसे करो। ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि देने वाला हूँ, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। बुद्धि तो भगवान ही देते हैं, ये अलग बात है। भौतिक बुद्धि से आप भौतिकता को प्राप्त कर सकते हो, आध्यात्मिक बुद्धि से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भौतिक बुद्धि डिग्रियां प्राप्त करने से आती है, और आध्यात्मिक बुद्धि भगवान नाम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेने से आती है, हरी कथा कीर्तन सुनने से आती है। और याद रखना, भौतिक बुद्धि से आध्यात्मिक बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि भौतिक बुद्धि से तो संसार मिल जाता है, लेकिन मिला गया नहीं किसी के साथ। बड़े से बड़ा बुद्धिशाली, बड़े से बड़ा अरबपति, बड़े से बड़ा खरबपति जब गया तो कुछ नहीं गया उसके साथ। लेकिन भजन करने वाली व्यक्ति, कीर्तन करने वाली व्यक्ति, सत्संग सुनने वाली व्यक्ति, हरि कथा से जुड़ी हुई व्यक्ति, कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई व्यक्ति के साथ वो सब जाता है जो उसने अपने जीवन में किया होता है। इसलिए कृष्ण भक्त, भगवान भक्त, मेरा हरि का भक्त, मेरे ठाकुर का भक्त, मेरे ठाकुर की सेवा करने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता है। थोड़ी भी सेवा, कृष्ण कहते हैं इस रास्ते पे कोई थोड़ा भी चलता है ना तो उसका बुरा नहीं होता। आप भले परम भक्ति नहीं भी प्राप्त कर पाए, लेकिन इस भक्ति के मार्ग पे, कृष्ण भक्ति के मार्ग पे थोड़े भी चले तो आपका बुरा नहीं होगा, बुरा नहीं होगा। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, तो सबको सुंदर शरीर चाहिए, हैंडसम शरीर चाहिए, अच्छी बड़ी डिग्री चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, लाइफ सेटल हो गई। लेकिन कब तक? कब तक? एक दिन अच्छा शरीर, बुढ़ापा और फिर मृत्यु, और शरीर जल के राख, खेल खलास खत्म हो गया खेल। अरे जब शरीर ही नहीं रहा तो डिग्री किस काम की आई? जब शरीर ही नहीं रहा तो सुंदर जॉब, अरे भाई वो बड़ी जॉब से तो एक दिन रिटायर्ड हो जाते हो, वो तो जीते जी आपको छोड़ निकाल देते, बोलो आप रिटायर्ड, 58 ईयर हो गए जाओ घर बैठ जाओ, 60 ईयर हो गए जाओ घर बैठ जाओ, एक दिन वो बड़ी नौकरी से भी छोड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। लेकिन एक नौकरी दूसरी है जो अजर अमर है,
मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जो गुरु महाराज की कृपा से हमें भक्ति मिलती है, भजन मिलता है, कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा मिलती है, उस नौकरी से बड़ा कुछ है ही नहीं। क्योंकि भौतिक वादियों की जो सेवा करते हैं उससे हमें पैसे मिलते हैं, और भगवान की सेवा करने से हमें भगवान मिलता है। कृष्ण भक्ति से कृष्ण मिलते हैं, भौतिक साध से हमें भौतिक साधन मिलते हैं। इसलिए ये चार चीजें जिनको जिसके लिए लोग तरसते हैं, लेकिन एक पांचवी चीज है कृष्ण भक्ति कृष्ण भजन कृष्ण सेवा, वो तो हमें उसका तो ख्याल ही नहीं आता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये मेरे हरि की कृपा हो तभी हरि सेवा, हरि कृपा हो तो तभी हरि भजन, और हरि कृपा हो तभी हरि महिमा हरि गुण गाने का सु अवसर मिलता है। मेरी माता बहनों मित्रों हम सबों को मिला है, मैं और आप सब भाग्यशाली हैं निस्संदेह इस कली काल में जो हमें हरि कथा सुनने और करने का सौभाग्य मिला। यही संकल्प दृढ़ रखिएगा, मन इधर उधर भटकेगा, लेकिन आप कृष्ण भक्ति से कृष्ण कथा से कभी भी इधर उधर हिलना मत, क्योंकि आई लक्ष्मी कहीं घर से चली ना जाए, क्योंकि भक्ति भगवान भजन और भगवान कथा ये सौभाग्य से मिलता है। मेरा ठाकुर आप सभी को ऐसा ही हरि कथा से जोड़े रखे, हरि कीर्तन से जोड़े रखे, हरि सेवा से जोड़े रखे और भजन से जुड़े रखें। कल हम फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय, तब तक भजते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ठाकुर आप लोगों को खुश और सुखी और स्वस्थ और सुरक्षित रखे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।